ये दंदिया 350 रुपये है, 400 रुपये किलो प्रॉन्स है, कुल 500 रुपये किलो। कटिंग का ये क्या रेट चल रहा है? फ्री है कटिंग, कटिंग फ्री है भाई। वाइट झींगा 1000 रुपये चल रहा है, 700 लगा देगा, और पापलेट है 500 रुपये लगा देगा। चलो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रियान बाबर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई सिंधी होटल में जो फ़िश मार्केट है उसके थोड़े से प्राइस अपडेट करें, तो मैं इस वक्त आया हूँ सिंधी होटल पर फ़िश मार्केट में। यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी जगह है यार अभी, और यहाँ पे जो है मछलियाँ भी कम हैं, ठेले भी कम लगे हुए हैं क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा गर्म चल रहा है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या क्या किन किन चीज़ों के प्राइस अपडेट कर सकते हैं। दलिया, मुश्का, सारम और वाइट पापलेट, कुंड, घिसर, इन सब के प्राइस आपको बताएंगे। तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भाई वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तो चले फिर देखते हैं मेरे साथ के ये छोटी सी मी फिश मार्केट की रानाइयाँ क्या कह रही है। मैं बताऊं? अच्छा जी, ये आपको लेकर आए इस वक्त सिंधी होटल। ये सिंधी होटल का बाज़ार है, और यहाँ पे ठेले वाले खड़े होते हैं जिनके पास मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ थोड़े से हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड आई थी कुछ रेट्स बताएं। तो ये दंदिया यहाँ रखी हुई है, दंदिया 350 रुपये है, उसके साथ जो है यहाँ पे सारम रखी हुई है 500 रुपये किलो है। फिर जो है ये कौन सी है, वाइट पापलेट क्या हिसाब है? जलेबी 450 रुपये किलो है। और ये कौन सी है? ये घिसर क्या हिसाब है? 250 रुपये किलो घिसर है। और ये कौन सी मछली है? अच्छा, और ये डिस्को मछली है जो कि 250 रुपये किलो है। तो मछलियों के प्राइस ये है। मछली देखिए मार्केट से यहाँ पर आई तो ताज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ताज़ी है। काका 300 रुपये, और ये प्रॉन्स भी रखे हुए हैं। और ये प्रॉन्स के हिसाब है? 400 रुपये किलो प्रॉन्स है। अच्छा, टाइगर प्रॉन्स नहीं मिलते यहाँ पे किसी के पास? अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेट दिखा देता हूँ। ये भाई हैं जो कि यहाँ पर इनका ठेला है ना जो बेच रहे हैं। यहाँ और भी ठेले वाले हैं, देखते हैं और किसी के पास अगर मुझे कोई और चीज़ अच्छी अच्छे प्राइस के रेट्स मिलते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें ये माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छी मछलियाँ रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? कुछ बताना चाहेंगे मछली के बारे में? कुछ बताना चाहेंगे यार? ऐसे मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा, अभी क्या बताऊँ यार। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। क्या हाल आते हैं अभी मार्केट के? मार्केट शुक्र, ये सर अभी माल जो है थोड़ा सा महंगा हो रहा है, आज तो माल मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, तो खोपरा मुश्का लेके आया हूँ, कुन लेके आया हूँ, खग्गा सिंगाड़ा है, कुन 500 रुपये किलो। और ये इसके बराबर कौन सी है? ये मुश्का, काला मुश्का, खोपरा 300 रुपये किलो। अच्छा, और ये? और सिंगाड़ा 300-250 ऐसा चल रहा है। अच्छा, बड़ा साइज है? हाँ, बड़ा है। ये कुन है 500। ये छोटा हो तो वाइट बनता है, बड़ा हो तो काला बनता है, छोटे का ही वाइट बोला जाता है। ये 500 रुपये किलो। और ये छोटी मछली? ये छोटी मछली 250 रुपये किलो, मुश्का है 250 रुपये किलो, मुश्का। अच्छा, 200-250 ऐसा ही चल रहा है। मुझे पता है, अगर आप अपना कोई नंबर बता दें सिंधी होटल में बैठे हुए, कोई लेना चाहे आपको फ़ोन करके मंगवाना चाहे तो। नंबर बेटा नंबर बता दे। अपना नंबर दीजिए कैसे? अच्छा, नंबर में बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर ये बता रहे हैं अभी तो आपको नंबर बता देंगे। तो ये रेट्स देखिए आपने। अच्छा, आगे एक और ठेला है, ये देखिए भाई बैठ के बना रहे हैं मछली। Yeah,
हाँ सेठ चैनल पे आ रहे हो, क्या हिसाब है कटिंग करके, क्या रेट चल रहे हैं? फ्री है कटिंग, कटिंग फ्री है भाई। अच्छा ये प्रॉन्स है, ये 500 रुपये किलो है। देखें ये कुंड रखी हुई है, कुंड वाइट कुंड है ब्लैक है? क्या हिसाब है? 550 रुपये किलो। दंदिया भाई, दंदिया 350 है, 300 लगा देंगे। वाइट पापलेट और ये सारी मछलियाँ। कहाँ बैठे हैं इस वक्त आप? मौसमी आलब। अच्छा तो कौन कौन सी मछलियाँ और क्या प्राइस चल रहे हैं इसके? ये 600 बेचा है, 550 लगा देगा। अच्छा सही। और झींगा है, वाइट झींगा 1000 रुपया चल रहा है, 700 लगा देगा, आधा कीमत तोड़ के बेच रहा हूँ। और पापलेट है 500 रुपये लगा देगा। जलेबी, जलेबी और ये क्या है? ये एक डामा है। अच्छा 250 रुपये, 250। अच्छा और ये 300 रुपये लगा देगा। अच्छा अभी मौसम चेंज नहीं हुआ तो क्या मछलियाँ सब महंगी है, क्या हिसाब है? ये मौसम की वजह से मछलियाँ महंगी हो गई है। महंगी है मछली। कोई आना चाहे तो कहाँ पर आए? ये सामने कौन सा स्टॉप है? खयाम स्टॉप है। हाँ ये स्टॉप, ये स्टॉप है खयाम स्टॉप है। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये एक छोटा सा रिव्यू होता है, यहाँ पे 8, 10, 4, 5, 6, 7, 8 ठेले खड़े होते हैं। अभी मौसम गर्म है तो उनके मैंने आपको रेट्स बताए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहेगा तो मैं आपको फ़िश के प्राइस देता रहूँगा। और बस भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो फिर कभी गलियों या सपनों में आपसे मिलते हैं। अगर भाई की वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर देखते रहे मेरे साथ कि ज़िंदगी की रानाइयाँ क्या कह रही हैं। अब गाँव है, अगर एक किलो पानी करेगी तो टोटो में रखो, समझ।